कनेक्ट को एक्सफिग में अंतः स्थापित कैसे करें, इस विषय में स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम समझाएंगे कि यह आकृति कैसे बनाएं, दूसरे विभाग में मौजूद गणितीय उक्ति को देखें। इस ट्यूटोरियल को समझने के बाद हम कोई भी गणितीय उक्ति को अंतः स्थापित कर सकते हैं। एक्सफिग द्वारा फीडबैक डायग्राम कैसे बनाएं, इस स्पोकन ट्यूटोरियल में बनाई गई इस आकृति से शुरुआत कर हम पिछली स्लाइड में मौजूद आकृति को भी बनाएंगे। हमें एक्सफिग द्वारा फीडबैक डायग्राम कैसे बनाएं, इस ट्यूटोरियल को वर्तमान ट्यूटोरियल से पहले सीखना होगा। इस ट्यूटोरियल में समझाए गए विषयों के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह बताते हैं। मैं एक्सफिग वर्जन 3.2 पैच लेवल 5 का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें लेटेक और उसकी सारी जानकारी होना जरूरी है। हमें इमेज को क्रॉप यानि काटने के लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता है। पीडीएफ क्रॉप लिनक्स और मैक ओएस एक्स पर चलता है। हम इसे इस ट्यूटोरियल में समझाएंगे। ब्रिस विंडोज पर चलता है लेकिन वह इस ट्यूटोरियल में नहीं बताया गया है। एक्सफिग पर जाते हैं, फाइल का चुनाव करते हैं और फिर ओपन। सूची को स्क्रॉल करने पर एक्सफिग द्वारा फीडबैक डायग्राम कैसे बनाएं, इस स्पोकन ट्यूटोरियल में मौजूद feedback.fig फाइल को देखेंगे। इसे क्लिक करते हैं, इस बॉक्स में मौजूद आकृति को देखेंगे, इसे ओपन करते हैं और इसे अंदर ले आते हैं। तथा जूम करते हैं। फाइल में मौजूद सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल कर हम मैथ नाम से इस आकृति को सेव करेंगे। सेव करते हैं। अब हमारे पास maths.fig फाइल मौजूद है। एडिट का चुनाव कर प्लांट टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, माउस को इधर लाकर इसे डिलीट करते हैं और एंटर करते हैं। जी ऑफ जेड इक्वल्स फ्रैक जेड ओवर जेड माइनस वन। टाइपिंग करते वक्त माउस बक्से के भीतर रहे इसका ख्याल रखना होगा। फ्लैग की मौजूदा नॉर्मल वैल्यू को स्पेशल में बदलेंगे। डन पर क्लिक करें। टेक्स्ट लंबा होने की वजह से दूसरे एंट्रीज के साथ ओवरलैप होता है। चलिए टेक्स्ट को बॉक्स के बाहर लाकर उस पर काम करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ग्रिड मोड का चुनाव करेंगे। एक बार हमारी पसंद के फेर बदल करने के बाद हम टेक्स्ट को वापस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। चलिए फाइल को सेव करेंगे। कंबाइंड पीडीएफ एंड लेटेक फाइल्स द्वारा इसे एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल एक्सपोर्ट कंबाइंड पीडीएफ लेटेक। एक्सपोर्ट, मुझे एक एरर मैसेज मिलता है। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। टर्मिनल पर जाते हैं, ls-lrt टाइप करें। हमें फाइल्स की सूची मिलेगी जिसमें सबसे नई बनाई गई फाइल अंत में दिखाई जाएगी। अंत की दो फाइल्स हैं maths.pdf_t तथा maths.pdf। ओपन maths.pdf यह कमांड देते हैं। इसे अंदर ले आते हैं। हम देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम को जो कि गणितीय उक्ति के बगैर है। इसे बंद करते हैं। ईमैक्स एडिटर में हम maths.pdf_t फाइल देख सकते हैं जो कि मैंने पहले ही ओपन की है।
ये यहाँ है। इसे ओपन करते हैं। आपको ईमैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। जो भी एडिटर आप आसानी से काम कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। हम देख सकते हैं कि पिक्चर परिवेश का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ इंक्लूड ग्राफिक्स और कलर पैकेजेस का इस्तेमाल किया गया है। इस आवश्यकता के बारे में हमें लेटेक को जानकारी देनी होगी। maths-bp.tech इस फाइल को ओपन करते हैं, जो कि इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने पहले से ही बनाई है। मैंने आर्टिकल क्लास का इस्तेमाल किया है। मैंने कलर और ग्राफिक एक्स इस पैकेजेस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका उपयोग pdf_t फाइल में किया गया है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। हमें पृष्ठ संख्या की जरूरत नहीं है, इसलिए एम्प्टी पेज स्टाइल। अंत में हमें maths.pdf_t का समावेश करना है। चलिए टर्मिनल पर जाते हैं और पीडीएफ लेटेक maths-bp कमांड को कार्यान्वित करते हैं। maths-bp.pdf बन चुका है, ऐसा मैसेज हमें मिलता है। ओपन maths-bp.pdf कमांड के इस्तेमाल से इसे ओपन करते हैं। हमारे पास अब आवश्यक फाइल मौजूद है। इसे जूम करते हैं। अब हम जानते हैं कि गणितीय उक्ति कार्यशील है। चलिए टेक्स्ट को अंदर ले आते हैं, इसे सेव कर एक्सपोर्ट करते हैं। यह आवश्यक भाषा में पहले से मौजूद है, एक्सपोर्ट करें। इस चेतावनी को रद्द करते हैं, इसको पुनः संकलित करते हैं। पीडीएफ ब्राउजर को क्लिक करते हैं, जहां फाइल मौजूद है। अब हम बॉक्स के भीतर गणितीय उक्ति को देख सकते हैं, जो कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप है। अगर स्पेशल फ्लैग का चुनाव ना हो तो देखते हैं क्या होता है। चलो हम यहाँ आते हैं, टेक्स्ट को एडिट करती हूँ। स्पेशल फ्लैग को नॉर्मल में परिवर्तित करते हैं। डन। फाइल को सेव कर इसे एक्सपोर्ट करेंगे। संकलन करते हैं। यहाँ आते हैं। फॉर्मूला आवश्यक रूप में नहीं है। स्पेशल फ्लैग को फिर से स्पेशल में परिवर्तित करेंगे। फाइल को सेव कर इसे एक्सपोर्ट करें। पुनः संकलन करेंगे। फाइल आवश्यक रूप में है, इसकी जांच करेंगे। अब इस फॉर्मूला की दिखावट के में सुधार लाते हैं। इस उदाहरण में डी फ्रैक फ्रैक्शन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। इस विषय में हम फ्रैक को डी फ्रैक में बदलेंगे। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ और माउस को बॉक्स के अंदर रखती हूँ। डी को यहाँ रखेंगे। डन। फाइल को सेव कर इसे एक्सपोर्ट करेंगे। पीडीएफ लेटेक का इस्तेमाल कर इसे संकलित करेंगे। अनडिफाइंड कंट्रोल सीक्वेंस डी फ्रैक
यह एरर मैसेज मिलता है। defrag कमांड AMS Math पैकेज में परिभाषित है, परंतु हमने उसे समाविष्ट नहीं किया, इसी वजह से लेटेक एरर देता है। हमें इसे mathsbp.tech फाइल में समाविष्ट करना होगा। चलिए इसे करते हैं। Emacs पर जाते हैं। Use package AMS Math। एंटर करें। फाइल सेव करें। इसे फिर संकलित करें। पहले एग्जिट यानि बाहर आते हैं। इसे पुनः संकलित करेंगे। अब यह संकलित हो रहा है। इसे क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन अब अच्छी तरह से बनकर आया है। गणितीय उक्ति एक्सफिग में कैसे अंतःस्थापित करें, इस उद्देश्य को हमने प्राप्त किया। एक्सफिग लेटेक कमांड को समझ नहीं सकता, यह बात हमें ध्यान में रखनी है। पीडीएफ लेटेक कमांड इसकी व्याख्या कर पाएगा। संकलन के समय लेटेक कमांड का सही और सुसंगत होना जरूरी है। अब मैं आकृति के आसपास खाली जगह हूँ, वो कैसे निकालना है यह समझाऊंगी। टर्मिनल पर जाते हैं। पीडीएफ क्रॉप maths-bp.pdf कमांड टाइप करें। इस फाइल को मैंने maths-out.pdf फाइल में बनाया था। पीडीएफ क्रॉप हमें संदेश देगा, एक पृष्ठ लिखा गया है। पीडीएफ क्रॉप फाइल को स्वीकार कर आकृति के आसपास की खाली जगहों को निकालकर क्रॉप्ड फाइल को आउटपुट फाइल में परिवर्तित करता है। पीडीएफ क्रॉप की संस्थापना मेरे कंप्यूटर पर पहले से ही की गई है। अगर यह मौजूद नहीं है तो इसकी संस्थापना करनी होगी। ओपन maths-out.pdf इस कमांड से हम आउटपुट फाइल को देखते हैं। इसे अंदर ले आते हैं। आकृति अब बहुत छोटी बन गई है। खाली जगह जो यहाँ थी उसको निकाला जा चुका है। अब इसे हम डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं। इसे बंद करते हैं और इसे भी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं। ब्रिस सॉफ्टवेयर व्हाइट स्पेस यानी खाली जगहों को क्रॉप करने में हमारी मदद करता है। ब्रिस सॉफ्टवेयर लिनक्स, मैक ओएस एक्स तथा विंडोज पर भी चलता है। मैंने मैक ओएस एक्स पर इसको चला के परखा है, परंतु हम इसे यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। हमारे पास आपके लिए नियत कार्य है। इस ट्यूटोरियल में बनाई गई आकृति को ज्यादा सुंदर और संतुलित बनाना होगा। अलग अलग गणितीय उक्तियों की कोशिश करें। फ्लिप और रोटेट जैसे दूसरे विकल्पों की भी कोशिश करें। इसका उल्लेख ट्यूटोरियल में आपको नहीं मिलेगा। अलग अलग आकृतियाँ बनाने की कोशिश करें। लाइब्रेरी का अन्वेषण करें। इंटरनेट पर एक्सफिग के विषय में जानकारी ढूंढें। अभ्यास करने के लिए उपयोगी जानकारी spoken-tutorial.org पर उपलब्ध है। स्पोकन ट्यूटोरियल की संकल्पना What is a spoken tutorial में समझाई गई है। आप LaTeX का अभ्यास उपलब्ध स्पोकन ट्यूटोरियल्स में से कर सकते हैं। मैंने इसे अलग टैब में डाउनलोड किया है। मैथमेटिकल टाइपसेटिंग यह ट्यूटोरियल लेटेक में मैथ कैसे बनाएं इसे इस बारे में जानकारी देगा। टेबल्स और फिगर्स यह ट्यूटोरियल आकृति जैसे इस ट्यूटोरियल में हमने बनाई है। डॉक्यूमेंट्स में कैसे नियुक्त करें इस बारे में जानकारी देगा। यह वेबसाइट पर एक्सफिग ट्यूटोरियल्स और अन्य विषयों के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। स्लाइड्स पर वापस आते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे आईसीटी द्वारा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन एमएचआरडी भारत सरकार से सहायता प्राप्त है। spokentutorial.org/nmeict-intro इस लिंक से यह मिशन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम आपके सहयोग तथा आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।